हैं आप और मैं हूँ दिव्या और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द सैलरी गर्ल्स लाइफ पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है सैटरडे और आज है मेरी छुट्टी और मैं हूँ बाहर घूमने। सो एज यू नो मैं नोएडा में रहती हूँ, मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। सो मैं यहाँ से जा रही हूँ मुगल गार्डन जो कि है दिल्ली में, और वहाँ जाने में लगभग करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाने वाले हैं मुझे बिकॉज ट्रैफिक एंड ऑल। सो फिलहाल जल्दी जल्दी वहाँ चलते हैं, वहाँ पे टिकट लेते हैं और देखते हैं मुगल गार्डन में ऐसा क्या है। लाइक मैंने बचपन में सुना था कि मुगल गार्डन सिर्फ विंटर्स में खुला रहता है, ये फेब का महीना है, तो आप देख सकते हैं मैंने स्वेटर्स नहीं पहने हुए हैं बिकॉज मुझे ठंड नहीं लग रही। सो वहाँ पर चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आ चुके हैं बोटैनिकल गार्डन पे और मैंने ये ली है चाय बिकॉज मैं सुबह जल्दी से उठ के नहा धो के तैयार होके आ गई मुगल गार्डन जाने के लिए। सो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ खाऊँ पीऊँ। सो मैंने अभी फिलहाल चाय पी रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से मेट्रो पकड़ूंगी एंड आई विल रीच नियरेस्ट मेट्रो टू द मुगल गार्डन एंड देन आई विल शो यू द व्यू ऑफ दिस। गार्डन पहुंचने का जो नियरेस्ट मेट्रो है वो सेंट्रल सेक्रेटरिएट है। सो मैं के लिए मुझे जाना होगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जो कि है वहां पे। तो चलते हैं। सो मैं आ चुकी हूँ, फीमेल्स बोगी यहाँ लगती है वहाँ पे। अब यहाँ से मैं मेट्रो पकड़ती हूँ और अपने डेस्टिनेशन पहुँचती हूँ। बाद मेरा मेकअप लुक बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है तो सभी लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, वो मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल लग रहा है। बट फिर भी मैंने सोचा था आज एथनिक वेयर में ही मैं जाऊंगी वहाँ पे और फोटोज़ में, सो इसलिए मैं एथनिक वेयर में ही आई हूँ। सो लेट्स सी, अब चलते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन और यहाँ के गेट नंबर 4 पे आप निकलोगे तो आपको सीधे सीधे मुगल गार्डन या अमृत उद्यान जिसे बोलते हैं वहाँ जाने के लिए ऑटो डायरेक्टली मिल जाएगी। और अभी मैं अपनी सेल्फी स्टिक नहीं यूज़ करी इसलिए मैं चेहरा थोड़ा गंदा दिख रहा है। नाउ अब हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से जा रहे हैं अमृत उद्यान की तरफ और मैं हूँ दिल्ली की सड़कों पे। यहाँ से आपको मुगल गार्डन जाने के लिए ऑटो लेनी पड़ेगी जो या तो आप रिजर्व कर सकते हो या अगर आप शेयरिंग पे जाते हो तो 30 रुपीज़ पड़ती है। आपको यहाँ पे गेट नंबर 35 से शायद एंट्री करनी है मुगल गार्डन के अंदर जाने के लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गेट्स मुझे दिख रहे हैं। सो बेटा कि आप यहाँ किसी सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लो और यहाँ पे फोर्सेस भी होती हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। सो अंदर चलते हैं और देखते हैं। सो मैंने फिर से टिकट ऑनलाइन नहीं करी है, मैं ऑफलाइन टिकट ही करूँगी जाके वहाँ पर एंड देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ओके सो यहाँ से ऑनलाइन टिकट मिल जाएगी, ऑफलाइन के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा इसलिए मैं ऑनलाइन ही कर देती हूँ। ये थी मेरी ऑनलाइन बुकिंग टिकट के लिए, प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा ही टाइम टेकिंग था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से टिकट बुक करो, अगर आप अंदर भी आते हो तो भी आप टिकट बुक कर सकते हो म्यूजियम की। तो अगर हमें टाइम मिलेगी तो हम अंदर जाएंगे। आ चुके हैं मुगल गार्डन के अंदर और ये है यहाँ पे सेल्फी स्टिक अंदर यूज करना मना है तो मुझे अपने हाथों को सेल्फी स्टिक लाना पड़ रहा है, लाइक हाथों को एकदम ऊपर चढ़ा के मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेनली 2 तरह की टिकट होती है, एक गार्डन विजिट की, एक म्यूजियम विजिट की। बट मोस्टली जब मैं म्यूजियम विजिट करना चाहती हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी विजिट करती हूँ, अच्छी चीज़ें देख नहीं पाती। प्लस म्यूजियम के अंदर मोस्ट ऑफ द जगह रिकॉर्ड करना भी अलाउड नहीं रहता, तो इस बार मेरा प्लान म्यूजियम विजिट करनी है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जाऊँगी, अदरवाइज आई विल जस्ट एक्सप्लोर द गार्डन। और मुझे यहाँ आने में ही करीब 2 घंटे लग चुके हैं, मैं 12 बजे निकली थी एंड इट्स 2:15 PM मैं अब यहाँ पहुँची। सो पहले गार्डन देख लेते हैं एंड अगर गार्डन देखने के बाद टाइम बचता है देन वी विल गो फॉर म्यूजियम। यहाँ पे आपको ऐसे QR कोड स्कैन्स लगे हुए रहते हैं, जब आप इसको स्कैन करोगे तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी कि ये कौन से पौधे हैं, उनकी क्या स्पेशलिटी है। बट मुझे याद है ये झाड़ पतवार हमारे पीछे भी उगे रहती थी, बट इसे यहाँ फूलों के कैटेगरी में रखा गया तो मुझे पता चल गया ये फूल है। आध्यात्मिक उद्यान, जैसे आप पढ़ सकते हो विभिन्न ग्रंथों में जो पेड़ पौधे रहते हैं। सैटरडे को हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों की छुट्टी रहती है।
बहुत सारे रोज के प्लांट दिख जाएंगे। ये है मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन, बट यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है कि कुछ नहीं दिख रहा। मेरे पीछे है यहाँ बोनसाई गार्डन, यहाँ पे बोनसाई प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो लेके चलते हैं आपको वहाँ। पेड़ के नीचे देखो कितना मोटा सा हो चुका है, बट ऊपर में कितना छोटा सा पेड़ है। ये है वो प्राचीन पेड़ जो हमारे ग्रंथों में मेंशन रहते हैं, जिसका गार्डन यहाँ पे बनाया हुआ है। यह है बैम्बू शूट्स का गार्डन जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे हर जगह सिक्योरिटी, और वो वहाँ पे फाउंटेन का शो चल रहा है। ये बाउंड्री पार करके हम पहुंच जाएंगे राष्ट्रपति भवन के और भी। और ये रहा आपके सामने शानदार बेमिसाल हमारा राष्ट्रपति भवन। जिस किसी भी जगह जाती हूँ ना, उस जगह पे उस दिन मतलब रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती है। जैसे मैं पिछली बार ताजमहल गई थी, वहां बहुत भीड़ थी, वैसे ही आज जब मैं राष्ट्रपति भवन आई हूँ तो यहाँ पे भी बहुत भीड़ है और चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। ऑरेंजेस के पेड़ ऊपर लगे हुए हैं, वहाँ पे वो ट्यूलिप के फूल है जो कि बहुत फेमस है मुगल गार्डन ट्यूलिप के फ्लावर्स के लिए। राष्ट्रपति भवन का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत व्यू आपको इस जगह से देखने को मिलेगा और किसी जगह से नहीं। राष्ट्रपति भवन के एकदम सामने का व्यू है, इससे नजदीक आप राष्ट्रपति भवन में नहीं जा सकते। व्हाइट ट्यूलिप्स भवन के अपोजिट साइड का व्यू, बगल में फर्स्ट एड की भी सुविधा मिल जाती है। तो अगर यहाँ पे मेडिसिन है, बट आई डोंट नो ये कॉमन सिविलियंस के लिए है या फिर आर्मी के लोग भी हैं, बट फर्स्ट एड की फैसिलिटी है। मेरे पीछे अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कैक्टस गार्डन, कैक्टस के पौधे बीच में कैक्टस डेकोरेशन, और ये है रोज गार्डन यानी गुलाबों की बगिया। मेरे पीछे रोज का गार्डन है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के रोज है, एक रोज का रोज यहाँ पे है और दूसरा रोज उस साइड है, क्योंकि बहुत भीड़ है तो मैं दिखा नहीं पा रही, मतलब आपको लेके चलते साइड। ये है दूसरे साइड का रोज गार्डन। अब होने वाला रोज गार्डन है, उसके सामने एक बहुत सुंदर फाउंटेन है और यहाँ दीवारों पर भी बहुत सुंदर से फूलों की क्रीपर्स लगाई हुई है। अगर आपको बहुत टाइम सिक्योरिटी मिलती है तो फूल बहुत अच्छा करने की सोचना भी मत। बहुत जल्दी हो रही है, उसका कितना अच्छा गार्डन है। फाइनली ट्रिप होती है खत्म। ये था मतलब लगी भूख, मैं सोच रही हूँ अंदर है फूड कोर्ट, मैं अंदर खाऊँ या बाहर खाऊँ, पर एक मैं अंदर चेक कर रही थी तो मैं बाहर देखूँगी।
यहाँ पे हर चीज़ कुछ ज़्यादा ही महंगी है, मुझे पता है क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं रहेगी, बट महंगा ज़्यादा करके रखा है यहाँ पे सारी चीज़ों। फूड कोर्ट में अब मैं आ चुकी हूँ, तो फूड कोर्ट में एक बास्केटबॉल भी कोर्ट है, इसलिए से फूड कोर्ट बोलते हैं, मजाक कर रही हूँ। ये है फूड कोर्ट यहाँ का, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। मेन्यू मैंने आपको पहले ही दिखा दिया प्राइसेस के साथ, जो आपको जो पसंद अगर आपको यहाँ खाना हो तो खा लेना। फूड कोर्ट में बस ये मैं सोचना सिर्फ फूड मिलेगा, यहाँ पे कुछ बहुत ही सुंदर पिक्चर पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप आके अपनी सेल्फी ले सकते हो। सेल्फी पॉइंट जिनकी मैं बात कर रही थी, तो मैंने वहीं पे बहुत सारी लाइव ले ली थी, मुझे यहाँ लेने का मन नहीं है, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी आके अपनी फोटो ले सकते हो। फूड के साथ ही अगर आपको कुछ सामान खरीदना है, जैसे यहाँ का कोई मोमेंटम कप घड़ी वगैरह, तो उसकी भी यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स मिल जाती है, बट प्राइसेस कुछ ज़्यादा ही हैं, तो मैं कुछ ले नहीं रही, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब मैंने अमृत उद्यान पूरा देख लिया है, मुगल गार्डन का नया नाम है अमृत उद्यान। फूड कोर्ट भी दिखा दिया, गार्डन भी दिखा दिए, राष्ट्रपति भवन भी दिखा दिया, एक म्यूजियम बचा था, बट म्यूजियम की टिकट्स यहाँ पे आपको मिल जाती है, अंदर से भी बाहर से भी करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपने बाहर से किया आप अंदर से कर सकते हो। कॉस्ट है ₹50 पर पर्सन, बट जब तक मैं गई तब तक काउंटर क्लोज हो चुका था, तो आई कुडंट टेक दैट। निकलते निकलते मुझे क्वेश्चन दिखी है, वो है प्रणव मुखर्जी लाइब्रेरी, बट ये प्रणव मुखर्जी पब्लिक लाइब्रेरी शायद पब्लिक लिए बंद है आज, अदरवाइज मैं अंदर जाके देख लेती, ऐसे शो के लिए बना है, आई डोंट नो। ये रहा गेट नंबर 35 एग्जिट, फिलहाल के लिए चलते हैं अमृत उद्यान से बाहर। अमृत उद्यान को पूरा पूरा घूमने में आप कितनी भी जल्दी घूमो तो आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। सो ये था मुगल गार्डन जो मैंने आपको घुमाया, होप है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि बेस्ट शॉट दिखाऊं, हर बार की तो भीड़ भाड़ वाले शॉट्स नहीं दिखाऊं, बट सीरियसली आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, मैं टाइट टाइट में बेस्ट से मैसेज डिसाइड हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना थोड़ा सा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो करती हूँ ख़त्म, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप लविंग यू, बाय।